जावेद आपके पास आते हुए, यानी दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी है कि बॉर्डर पर किसी भी हालत में अब स्थिति नहीं बिगड़ने दी जाएगी, लेकिन चक्का जाम करेंगे कैसे दिल्ली में भी और देश के दूसरे हिस्सों में भी, कैसे रोकेंगे रफ्तार को किसान? जहां वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बैठे हैं वो तो हैं ही, बल्कि इन्होंने देशव्यापी इसका ऐलान किया है कि स्टेट हाईवे और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर चक्का जाम किया जाएगा। लेकिन बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त हैं, पूरी छावनी में बदल दिए गए हैं जितने भी सीमा हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ कोशिश किसानों की होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं, देखिए जो टिकरी बॉर्डर है उससे करीब 3 किलोमीटर पहले, और यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जवान यहाँ पर तैनात हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर तैनाती लिए हुए हैं। ये बिल्कुल इलाका है जहाँ आमतौर पर सामान्य इस जगह पर ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इतने पहले से, करीब 3 किलोमीटर पहले से ही यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई है। और हमने अभी तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर कितने ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, कई लेयर अलग अलग तरह की सिक्योर जो बैरिकेड्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लगातार कोशिश है कि किसी तरह से जो जो प्रदर्शन है वो जो प्रदर्शन स्थल से आगे ना बढ़ पाए, अपने बॉर्डर से आगे ना बढ़ पाए, उनको रोकने की भरपूर जो कोशिश है वो की जा रही है। क्योंकि 26 जनवरी की घटनाएं हमने देखी कि इस तरह से अलग अलग जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए, ऐसा दोहराव दोबारा ना हो उसकी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। जी ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर किसानों को उकसाने का आरोप